तो अफनान की गाड़ी है, लेकिन ये इस रेस्टोरेंट के बाहर क्या कर रही है? ऐसी बातें करोगी तो कन्विंस हो जाएंगे। वैसे मेरे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो रमशन। हेलो हेलो, हाँ अफनान, कहाँ हो तुम? मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में आया हूँ। तुम ऑफिस में हो? नहीं, हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसी पूछ लूं दोबारा से कि अगर तुम फारिग हो तो। ओके, रमशा, मैं हमें चलना होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मुझे जाना है। नहीं 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 अफनान, अभी नहीं भाई, अभी आप बैठे आराम से, मुझे सही बातें करनी है ना आपसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे बाद में बातें कर लूंगा, प्लीज। अफनान कुछ खाया भी नहीं अभी। मैं तुम्हें खिला दूंगा कुछ रास्ते में, आ जाओ, अभी निकलना होगा यहाँ से। हमेशा इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं। कोई बात नहीं, भाभी रमशा कहाँ है? अरे सलमा, वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। भाभी बुरा मत बनाइएगा, लेकिन ये रमशा का रोज आना सहेलियों के यहाँ इस तरह जाना अच्छा नहीं है। कभी किसी के घर में सालगिरह है, किसी के घर में कोई तकरीब है, मेरी बेटी एनी भी तो है, उससे मैं हरगिज़ इस तरह नहीं जाने देती अकेले। सलमा तुम तो जानती हो ना रमशा को, माशाल्लाह से वो जहाँ जाती है ना वहाँ दोस्ती बना लेती है। अब बताओ बच्ची है, कहाँ कहाँ से, क्या क्या मना करूँ? वो आप ठीक कह रही हैं, जान पहचान हो जाती है, लेकिन इस तरह लड़कियों का दूसरों के घरों में जाना अच्छा तो नहीं लगता ना। सलमा बच्चियाँ माँ बाप के घर में है ना, जहाँ उनका दिल चाहे वो अच्छे से घूमें फिरें। अब देखो कल को उसकी शादी हो जाएगी, ना जाने ससुराल कैसा मिले, वो लोग उसको कहीं आने दें ना आने दें, तो भाई यही सोच के ना मैं और तुम्हारे भाई उसे नहीं मना करते हैं। बैठो बैठो, बस दुआ करें कि बस अल्लाह करे उसके अच्छी जगह शादी हो जाए। अरे भाभी जी, आप रमशा के रिश्ते की बिल्कुल फिक्र करना छोड़ दें, बस आप यूं समझिए कि रमशा जो है वो अपने ससुराल में बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे वो अपने घर में रहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अनवर तो पहले ही आपसे बात करना चाह रहे थे, तो अब जब भाभी ने बात कर ही दी है शुरू, तो मैंने सोचा मैं भी बात कर दूं। अब मैं और अनवर सोच रहे थे कि रमशा के लिए शानी का रिश्ता। देखिए भाईजान, रमशा हमारी इकलौती बेटी है, घर की बेटी है, घर में ही रहेगी, आप दोनों की नजरों के सामने रहेगी तो आपको खुशी होगी। जहां तक शानी का ताल्लुक है तो आपके हाथों में पला बड़ा, आप तो अच्छे से जानते हैं उसे। बस भाईजान, जो फैसला आपका होगा ना हमें मंजूर,
थोड़ा सा वक्त दूंगा तुझे, फिर बात करते हैं इस बारे में। जी जी भाजन, बिल्कुल। चाय बनवाओ। जी जी जी। अबू क्या हो गया, कितनी देर लगेगी? पता नहीं बेटा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसीलिए हर वक्त बोलती रहती हूँ कि नई गाड़ी ले लें, लेकिन आप मेरी बात ही कहाँ सुनते हैं। नई गाड़ी लेके करना क्या है? अरे ठीक ठाक गाड़ी है, ठीक ठाक चल रही थी, अब खराब हो गई। क्या हुआ बड़े बू? यार वो गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, छिप भरी थी, काम ही नहीं कर रही। इसको दोस्त के घर छोड़ने जा रहा था, ये डिग्री कॉलेज का इलाका नहीं है, वहां तक जा रहा है। हाँ तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। अरे तो सही है ना, तुम शानी के साथ चली जाओ, मैं मैकेनिक को देखता हूँ जाके। बाइक पे? बाइक पे ही जाता हूँ, और किस पे जाता हूँ मैं? चलाने आती भी है या गिरा विरा तो नहीं दोगे कहीं मुझे? क्यों क्या हुआ, मुझ पे भरोसा नहीं है? सच बताऊं, इतू से भी भरोसा नहीं है मुझे तुम, लेकिन चलो आज भरोसा करके देख लेती हूँ। रमशा मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं गिरने दूंगा, अब आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आपका, आप चलें प्लीज। हाँ चलो चलो, आ जाओ।